वेलकम टू अज़रा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं फ्रोज़न चिकन खिचड़ी के साथ पराठे, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं। बिल्कुल रोल पराठा लगता है, जैसे रोल पराठा होता है हमारा, वैसे ही मज़ेदार बनता है। तो चलें, बहुत सिंपल सी रेसिपी है, फिर शुरू करते हैं जल्दी से। चिकन फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए हमें जो चिकन चाहिए वो इस तरह से बिल्कुल थिन होनी चाहिए हमारी। तो इसी तरह मैं ये सब काट लूँगी, इसके भी हम छोटे छोटे पीसीस करेंगे। तो इस तरह से हम हाथ का कुटा हुआ कीमा आता है हमारा, इस तरह से कर लेंगे। ये छोटी छोटी हमें सब करनी है, और इसी सब चिकन की मैं इस तरह से बना बारीक कर लेना है। और अब हम डालेंगे इसमें तंदूरी मसाला 1 टीस्पून। ये हमारे पास है कुटी मिर्च, गरम मसाला, नमक टेस्ट के हिसाब से आप ले लें। 1 टीस्पून लिए गरम मसाला, कुटी मिर्च, सिरका डाल देंगे 1 टेबल स्पून भरकर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, होममेड हमारे पास टिक्का मसाला है, ये डाल रहे हैं स्पाइसेस के लिए, और इसकी कर देंगे अच्छी सी मिक्सिंग। 1 पिंच लेंगे फूड कलर, और 1 टेबल स्पून लेंगे इसमें दही, दही ले रहे हैं, इसमें मिक्स करेंगे और ये इसमें डाल देंगे। इसको मैं 1 घंटे के लिए रख देती हूँ फ्रिज में। उसके बाद चिकन को हमारे 2 घंटे हो गए हैं, अच्छी से मेंशन हो चुकी है इसकी, और जितने अच्छे चिकन में स्पाइसेस जाएंगे उतने ही मज़े का ये लगता है। थोड़ा सा बस हमें हरा धनिया चाहिए। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना पैन ग्रीस कर लेंगे। फ्रोज़न पराठे जो हैं बहुत जल्दी से मेल्ट हो जाते हैं, चिपकने लगते हैं, उठते नहीं हैं हाथ में। तो अब हम डाल देंगे इसमें अपने चिकन, एक साइड डालेंगे हम, और अब चिकन को कर लेते हैं कुक, क्योंकि ये बहुत जल्दी होगी, बहुत छोटी छोटी है और बहुत अच्छा सा इसमें मसाला लग चुका है। 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल दूंगी ऑयल, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, 1 टेबल स्पून। और अब इसको नॉर्मल तरीके से फ्राई कर लेंगे, जिस तरह से हम पकाते हैं। और अब हम इस पर चिकन डाल देंगे। अच्छा सा हमने चिकन डाल दिया है, साथ ही हमारे पास मोज़रेला और चेडर चीज़ है, ये हल्का सा हरा धनिया, और इस तरह से हम अपने पराठे को उठाएंगे और इसको फोक की इस तरह से और ऊपर की तरफ, इसके बाद दूसरे पराठे की इसी तरह फिलिंग करेंगे। चीज और अब करते हैं हम इसको फ्राई। इसको हमने फ्राई करने के लिए रख दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। ऑयल का इस्तेमाल बहुत लाइटली करेंगे, बिल्कुल जैसे हमने ग्रीस किया है उसी पर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। दोनों साइड हमारे अच्छे से हो चुके हैं, अब इसका करते हैं फ्लेम बंद। आप चीज़ देख सकते हैं किस तरह से चीज़ मेल्ट हो रही है।
तो ये बहुत मज़ेदार से चीज़ी फ्रोज़न पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं, तो आप ज़रूर ट्राई करें, रमज़ान में सहरी में बहुत अच्छे लगेंगे ये। बहुत ही डिलीशियस बनते हैं ये, बच्चे बहुत इंजॉय करेंगे रमज़ान में, जो बच्चे रोजे रखते हैं उनके लिए ये बेस्ट रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। मिलेंगे तो किसी और अच्छी के साथ।